उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। अगर बात करें महाराजगंज जनपद की तो भारत नेपाल सीमा पर सटे तराई के बेल्ट महाराजगंज जनपद में इंटरमीडिएट में जनपद के 5 छात्र उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान हासिल कर चुके हैं, जिनमें से 3 छात्र और 2 छात्र हैं जिन्होंने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया। सिसवा बाजार में स्थित चोकराज तुलस्यान कॉलेज से इंटरमीडिएट की छात्रा गोल्डी यादव, मुस्कान कुशवाहा और पीयू जायसवाल ने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। सिसवा बाजार स्थित RPSC के धनंजय कुशवाहा ने भी प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि शिव नारायण इंटर कॉलेज की नेहा चौधरी ने भी 7वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं शिव जपत सिंह इंटर कॉलेज भिटौली बाजार के छात्रों ने ज्यादा नंबर पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जनपद के 5 छात्रों के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय परिवार में बधाई। सिसवा की रहने वाली नेहा चौधरी, जिनके पिता किसान हैं, उन्होंने बताया कि आज उनके इंटरमीडिएट में टॉप करने से उनके पीछे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद। प्रदेश में 7वां स्थान हासिल करने वाले इंटरमीडिएट के छात्र धनंजय कुशवाहा ने बताया, उनके पिता किसान हैं, अपनी सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों को दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य व प्रबंधक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को बधाइयां दी हैं। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए शत्रुंजय सिंह की रिपोर्ट। आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। आपके विद्यालय के बच्चे जिले से लेकर प्रदेश की सूची में जगह बनाए, क्या कहेंगे स्कूल जी? विद्यार्थियों की मेहनत है और सबसे बड़ा इसमें स्थान अध्यापकों का है कि अध्यापकों ने उतने लगन से विद्यार्थियों को तैयार किया है और हम निरंतर ही प्रयास करते भी रहते हैं कि बच्चे सिर्फ परीक्षा तक नहीं आगे के भी लक्ष्य के लिए वो तैयार रहें। हमारे यहाँ से 16 बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में स्थान लाए हैं, इसमें एक बच्चा प्रदेश में भी स्थान लाया है। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और विशेष रूप से हम अध्यापकों को इसकी तारीफ करते हैं कि अध्यापकों ने जो मेहनत किया उसी का यह नतीजा है। क्या नाम है आपका? नेहा चौधरी। कहाँ की रहने वाली है? सभी उत्तर टोला। आज आप जो है जिले में पहला स्थान और प्रदेश में 7वां रैंक पाई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 10 में मेरा 84% था तो हमने लगातार मेहनत किया, सुबह 3 घंटे और शाम को 4 घंटे लगातार पढ़ते रहे और हमारे माता पिता और स्कूल के गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि हमारा यहाँ तक हम चल कर आए हैं। क्या लगता है कि क्या लक्ष्य बनाया आपने, क्या बनना है? हमारा लक्ष्य है बैंक PO ऑफिस का। मैं धनंजय कुशवाहा, मेरे पिताजी का नाम श्री अर्जुन कुशवाहा, वह किसान है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रजवंती देवी है। मैं अपनी 12th की पढ़ाई RPSC इंटर कॉलेज सिसवा बाजार महाराजगंज से किया हूँ। मैं 96.6% पाकर जिले का पहला स्थान तथा प्रदेश का 7वां स्थान प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर तथा दोस्तों को देना चाहता हूँ। मैं आगे डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता अवश्य। आज हाई स्कूल की रिजल्ट आया है और आप जो है जिले के टॉप 10 की लिस्ट में 5वें स्थान पर आई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है जैसे मैंने एक जीत हासिल कर ली है। बहुत खुशी, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं पूरी फैमिली, पूरी अपने कॉलेज टीचर, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे टीचर मेरे बहुत सपोर्ट किए और मैं उन्हें को श्रेय देना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? पीयू जायसवाल। आज जो है जिले के साथ साथ आपने जो है प्रदेश में 7वां स्थान पाया, किस तरह का लग रहा है, क्या कहें? हमें बहुत खुशी हो रहा है और इसका श्रेय हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों को जाता है जो कि चोकराज विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर के हमारे गुरुजन हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिता एक बिजनेसमैन हैं। आगे क्या इच्छा है आपकी बनने की, जो देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं।